बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये मैं आपको शादी टाउन ब्लॉक 7, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, शादी टाउन ब्लॉक 7 में एक और डबल स्टोरी नया 0 मीटर विला दिखा रहा हूँ मैं, जो कि 40 फुट चौड़ी रोड पे है, वेस्ट ओपन है। ये देखें, ये मैंने आपको विला दिखा रहा हूँ मैं, और आपको ये अभी मैं डिटेल में अंदर से दिखाता हूँ, जो कि वहाँ पर सेल पर आया हुआ है। तो ये मैं आपको इस विला के अंदर लेके जा रहा हूँ, पहले आप इसका ये रैम देख लें, और ये मैं अंदर आ गया हूँ। ये कारपोर्च है इसका, और ये देखें, पहले कारपोर्च देख लें, और इन्होंने बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की है, और डिज़ाइनिंग सबने अच्छी की हुई है। ये देखें, ये इसकी स्टेयर्स हैं, और ये एक दरवाज़ा बाहर के लिए भी दिया हुआ है, और ये बाहर बेसन बहुत खूबसूरत लगा दिया। तो पहले आप बेसन देख लें, स्पेशल करके दिखाऊँगा मैं आपको। ये देखें आप, और ये कॉमन बाथरूम है, ये मेहमान हजरात के लिए। और अब मैं इसके टीवी लॉन्च में जा रहा हूँ, ये मैं आ गया हूँ टीवी लॉन्च में, और आप खूबसूरती देखते जाएं, आप लोगों को कम से कम आइडिया भी हो जाएगा कि देखने वालों को कि घर कितने खूबसूरत खूबसूरत घर बन रहे हैं। ये देखें इसकी रूफ देखें आप, 0 मीटर अभी घर ये, अभी जो भी ख़रीदेगा वो पहली बार ही ख़रीदेगा इसको। और ये मैंने आपको लॉन्च दिखाया, फिर मैं इसका आपको ड्राइंग रूम दिखा दूँ। ये ड्राइंग रूम है इसका, और लकड़ी का काम शदीद हुआ हुआ है। ये वॉलपेपर, और ये छत देख लें आप, ये देखें, और विंडो देखें आप कितनी बड़ी दी है इन्होंने। और इसके साथ ये एंट्रेंस के लिए विंडो की डोर दिया हुआ है। अब देखें आप इसको, ये अब मैं दिखाता हूँ आपको छत, ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और किचन, किचन देखें आप, ये देखें, और ये मैं आपको पूरा किचन दिखा रहा हूँ, खूब लाइटों का इस्तेमाल हुआ है इसमें, ये देखें। अच्छा, वेंटिलेशन के लिए इसमें वो भी दी हुई है, विंडो भी दी हुई है, और पूरा वाइट से बना हुआ है किचन ये देखें। ये मैंने आपको पूरा किचन दिखा दिया इसका, और अब मैं इसके बेडरूम में लेके जा रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, पहले आप फ्लोरिंग देखें, और ये देखें आप छत, विंडो देखें आप इसकी, ये रूफ्स तो इतनी खूबसूरत बनाई हुई है सारी, और इसमें जो है वो वार्डरोब भी बनी हुई है, ये देखें वार्डरोब बनी हुई है, और उसके साथ ये किचन, ये वॉशरूम का एरिया, ये देखें, ये देखें आप, ये दिखा दिया मैंने आपको वॉशरूम इसका, ये पहला वॉशरूम था, और ये इसका सेकंड बेडरूम, और ये आपने फ्लोरिंग देख ली, और आप इसकी रूफ़ भी देख लें। ये तो इसके बगैर कोई घर नहीं है, अब आपको बता दूं मैं, ये जितने भी नए घर बन रहे हैं, फोर सीलिंग घर में जान डाल देती है खूबसूरती की। और ये इसका वॉशरूम, ये देखिए, और ये मैं जा रहा हूँ इसके वॉशिंग एरिया में, ये वॉशिंग एरिया है इसका, और यहाँ आपका गीज़र आ जाएगा, और ये वेंटिलेशन के लिए जगह। अच्छा, इसमें सामान रखने के लिए वॉशरूम पे, जिसे आप दो छत्ती कहते हैं, वो भी दी हुई है, सामने नज़र आ रही है आपको, इधर भी दी हुई है और इधर भी दी हुई है। ये मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर पूरा दिखा दिया, ग्राउंड फ्लोर इसका, और एक बार फिर छत देख लें इसकी, ये देखें, और ये इसका ड्राइंग रूम वाला एरिया, और ये इसकी मेन एंट्रेंस, आप दरवाजे भी देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहा हूँ, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ, पहले आप इसकी फ्लोरिंग देख लें, फ्लोरिंग बड़ी प्यारी हुई हुई है इसकी, और ये देखें, ये इसकी टेरेस की छत है, और मैं दिखा दूँ आपको, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वेस्ट ओपन है, तो आप चेक कर लें, और सामने 240 यार्ड्स के बैंगलोज हैं, ये देखें, ये दिखा दिया मैंने आपको।
अब मैं आपको इसके टीवी लॉन्च में लेके जा रहा हूँ। ये आ गए हम टीवी लॉन्च में। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये स्क्रीन वाला एरिया। और आप देख रहे हैं पानी, उसकी पन्नी भी नहीं उतरी हुई अभी, आप रूप देख लें। ये इसका किचन, ये देख लें आप किचन इसका। ये मैंने आपको पूरा किचन दिखा दिया इसका। और ये इसका ड्राइंग रूम। अच्छा, ड्राइंग रूम में वॉर्ड पाउडर रूम दिया हुआ है। ये देखें, पहले फ्लोरिंग देख लें आप इसकी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ़ानूस की पन्नियाँ भी नहीं उतरी हुई भी, ये आपको देखने में नज़र आ रहा होगा। और ये इसकी रूफ़, और इन्होंने यहाँ पे अल्लाह के नाम मुबारक भी लगाए हुए हैं। ये देखें, ये फिक्स है दीवार के अंदर। और ये देखिए वॉलपेपर, और उसके साथ ये पाउडर रूम। अब मैं आपको इसके दोनों बेडरूम दिखा दूँ। ये देखें, ये फर्स्ट बेडरूम, और ये देखें इसकी भी आप रूफ देख लें। और इसमें जो है वो वार्डरोब्स भी बनी हुई है। ये देखें, ये अलमारी बनी हुई दीवार में। अच्छा, ऊपर वॉशिंग एरिया अलग दिया हुआ है, ये वॉशिंग एरिया। और ये देखें आप, इसमें विंडो भी दी हुई है छोटी सी। और ये इसका वॉशरूम, ये वॉशरूम है इसका। ये इसका सेकंड बेडरूम, और ये इसकी रूफ। ये देखें आप, कितनी शानदार डिज़ाइन हुई हुई है। और ये विंडो वेंटिलेशन के लिए। हाँ, ये हम आ गए इसके वॉशरूम में। ये देख लें आप, अच्छे बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के वॉशरूम हैं। अच्छा, ये मैं बाहर आ गया हूँ, ये टेरिस वाली जगह पे हूँ मैं। यहाँ भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत अलहमदुल्ला रब्बुल आलमीन लगाया। और ये ड्राइंग रूम में एंट्री की जगह, और ये स्टेयर्स जा रही हैं छत के ऊपर। और मैं ये छत वाले एरिया पे आ गया हूँ। और जैसे हम बता रहे हैं कि ये जगह जो है आपके काम आ सकती है एक रूम बनाने के लिए। और अब मैं ये छत का एरिया दिखा रहा हूँ। सामने एक वॉशरूम भी बना हुआ है, ये देखिए ये वॉशरूम बना हुआ है। और ये वॉशिंग एरिया है, और छत पे मार्बल भी लगा हुआ है। तो भाइयों, ये घर मैंने पूरा डिटेल में आपको नज़र दिखा दिया है। 0 मीटर है, नया बना हुआ है, वेस्ट ओपन है, 40 फीट चौड़ी रोड के ऊपर है। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो कांटेक्ट कीजिएगा। या आप देख लें, पूरी पट्टी ही अच्छे घरों की बनी हुई है। तो इसकी 2.70 जो है वो 2 करोड़ 70 लाख रुपये डिमांड है। बाकी कमी बेशी हो जाएगी, जो लोग भी कॉन्टेक्ट करेंगे प्राइस कम हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़। में वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ। और जैसे आप हमारे चैनल का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमेशा रखिएगा। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।